झाबुआ जिले के बिल्ली डोज स्थित एक आदिवासी परिवार की झोपड़ी तोड़ने पहुंचे राजस्व की टीम को विधायक विक्रांत भुरिया ने जमकर फटकार लगाई। दरअसल बीते 4 दिनों से यह परिवार अपनी शिकायत लेकर दर दर भटक रहा था, जहां जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान राजस्व अमला जेसीबी के साथ वहीं मौजूद था। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार साहब कहाँ हैं? तो हमको परेशान कर रहे, 2-3-4 दिन से हमको परेशान कर रहे हैं लोग। देखिए कि इतने गरीबों को परेशान करने का क्या मतलब है, मुझे आप समझाइए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, गरीबों की तो जमीन छीन लेते हैं, अगर इनको पट्टा देना होता तो आज तक पट्टा नहीं मिला है। बाकी कोई बड़े बड़े लोग हैं, उनको आराम से पट्टा मिल रहा है। वो बड़े बड़े मकान बने हुए साहब, उसको नहीं तोड़ते, और मेरे कच्चे झोपड़े को तोड़ने के लिए आते हैं लोग। ये कहाँ लिखा है कि जनजाति का घर उजाड़ कर जनजाति को बसाने का, ये कहाँ लिखा है? अब ये देखिए, मैं तो सरकार का पता है, जितना सरकार के आदेश निर्देश हुए उसका पालन कर रहा हूँ। इनको मैंने जब तक इनको तुमसी जमीन आवंटित नहीं होगी तब तक इनका घर नहीं टूटेगा। नहीं तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि अमीरों को तो सब कुछ जमीन भी मिल जाती है, पट्टे भी मिल जाते हैं, इनको क्यों नहीं दिया गया पट्टा? अगर कोई अपना घर आकर उजाड़ दे तो कैसा लगेगा आप उनको? मैं भी आप ही लोगों को, लेकिन अब नहीं, मैं आपकी आपकी दुविधा मैं समझ रहा हूँ। ऊपर से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग फोन करवा देते हैं, आपकी थोड़ी ना गलती है, तो ऊपर वालों को देखना चाहिए। आप तो अपने नियम का कब पालन कर रहे हैं, पर इनकी भी तो सोच सुनना पड़ेगी। अगर इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो फिर क्या मतलब है हमारा? और आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, जेसीबी वापस भिजवाइए, आज कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। मैंने कहा सरकार की ये बिल्कुल भी आदिवासी और गरीब, मैंने तो नहीं देखा किसी भी अमीर व्यक्ति को या किसी बड़े व्यक्ति का को बेदखल करते हुए जमीन से या फिर उसका घर तोड़ते हुए, पर गरीबों का बिल्कुल दिखता है। तो ये साफ दिखता है कि ये जो मानसिकता है सरकार की, ये बिल्कुल भी आदिवासी और गरीब विरोधी है। और इस तरह की जो ये काम कर रहे हैं, ये झाबुआ जिले में तो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अगर इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो फिर क्या मतलब है हमारा? और आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, जेसीबी वापस भिजवाइए।